ओम नमः शिवाय। आपका हमारे चैनल भक्ति गाथा पर स्वागत है। श्रावण मास में हम आपको प्रतिदिन श्रावण मास महात्म्य का एक अध्याय सुनाएंगे। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस मास में जो कोई भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तथा कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का सातवां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वादलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीप जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार 1 पल प्रमाण सुवर की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी
कृपा बस मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विशेष, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न बीरसेन नामक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो, मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। ब्राह्मणिक तेज के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले लेना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए।
जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कभी भी नहीं मांगा जाता। तथा आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्ध रात्रि में साक्षात्काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी बारी में उस सर्प की प्रार्थना की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। एक जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद बरपक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उसे कहा, हे सुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देखने। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सीतते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर अभी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देखने। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे भी यह बता दे, तब यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पछवाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने बरपस का वृतान कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण
लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाच के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहर्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सुनकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र बधुई मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र बधु ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगल गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया।